कहीं रिमझिम, कहीं फुहार, कहीं बादल बरसे मूसलाधार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सांदा, गुलशन दाबी, इस्लामपुरा, जेल रोड, गुलबर्ग समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की लकचहरी। रंग महल, मोची गेट और माल रोड पर भी दिन भर रिमझिम होती रही। आसमान गिरती बूंदों से मौसम की तरंग को सुहाना बना दिया। बारिश के बायस बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासर। लिस्को के 46 फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मौसम की खराबी के पेश नज़र लिस्को इंतजामिया की सारफीन से तावुन की अपील। बारिशों का मौसम मच्छरों की अफजाइश के लिए साजगार हो गया। डेंगू मच्छर के हमलों में तेजी आ गई। 24 घंटे में मजीद 2 नए मरीज सामने आ गए। महकमा सेहत के मुताबिक मरीजों का ताल्लुक लाहौर और गुजरावाला से है। एक हफ्ते में 27 केसेज रिपोर्ट हो चुके। पंजाब काबीना ने बिजली बिलों में 14 रुपए रिलीफ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। आवाम को रिलीफ देने पर काबीना ने वज़ीर आला का खराज तहसीन पेश किया। मरियम नवाज ने कहा, बिजली में रिलीफ आवाम पर एहसान नहीं, उनका हक है। नई वज़ीर आला की हिदायत पर अमल दरामद शुरू कर दिया। पहले 4 बैजेस में बिजली सार्फिन को 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिल गया। मरियम नवाज की जानिब से बकिया रकम अदा करने की तहरीर बिलों पर दर्ज। बिलों के साथ हुकूमत की जानिब से पंपलेट भी तकसीम। हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में आरजी रिलीफ। लिस्को पर 6 लाख सार्फिन के बिलों की प्रिंटिंग दोबारा करने का इजाफी बोझ डाल दिया गया। ज़राए के मुताबिक दोबारा प्रिंटिंग से लिस्को को लाखों रुपए के इजाफी अखराजात बर्दाश्त करना पड़े। पंजाब में पार्लिमानी सेक्रेटरियों का तकरूर। वज़ीर आला ने 25 पार्लिमानी सेक्रेटरीज तकरूरी की मंजूरी दे दी। उसामा लगारी महकमे ज़राअत, इफ्तखार अहमद औकाफ मजहबी अमूर के पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर, शेब अवैसी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जबकि मंसूर आजम अनर्जी, शहरियार मलिक एक्साइज, मलिक वहीद फूड के पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिए गए। बानी पीटीआई को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं कैदियों का इलेक्शन लड़ना चाहिए। सजा याफ्ता शख्स का चांसलर का इलेक्शन लड़ना बायस नदामत है। वज़ीर इत्तला'आत अज़मा बुखारी कहती हैं, सबसे ज्यादा मगरिब को जानने वाले को आज मगरबी मीडिया डिस्ग्रेस का लकब दे रहा है। दहशतगर्दी के खात्मे और भाईचारे के फरोग के लिए करारदाद जमा। नून लीग की रुकन कमल लियाकत ने करारदाद जमा करवाई। कहा, ये ऐवान हर किस्म की दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत करता है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी ने पूरी कौम को रंजीदा कर दिया। एक सौ 121वां नेशनल मैनेजमेंट कोर्स पंजाब हुकूमत ने 8 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेनिंग में शिरकत से रोक लिया। ट्रेनिंग में शमूलियत ना करने से मुतालिक तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। तमाम अफसरान ने 4 माह की प्रमोशन ट्रेनिंग में शिरकत करना थी। अब मुझे बताएं, जो अभी नई हुकूमत आई, कभी उन्होंने बिलियन ट्रीज की बात की है कि हमारे ये प्रोजेक्ट्स और आगे बढ़ाएंगे और दूसरे सूबों की पेशकश करें कि हम ऐसे करें? बिलियन ट्रीज छोड़ें, मुझे आप वो बताएं, वो जंगलात किधर गए हैं? इलीगल जो है टिम्बर माफिया ने जिस तरीके स्मगलिंग की है वहाँ पर, रोज़ाना सोशल मीडिया भी आपने देखा होगा। आप ये बात कर रहे हैं कि देखें, 2013 में हमने एक पुरमन सूबा खैबर पख्तूनख्वा इनके हवाले किया था। आज अगर सूबा बदमन हो गया तो किसकी वजह से हुआ? खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत के लिए ख़त्म हो गई। 9 मई मुल्क दुश्मनी का वाक़ है जिस पर समझौता नहीं होना चाहिए। गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी की घन खरज। कहा, सूबे में ये जो हो रहा है नहीं होना चाहिए। शेख इम्तियाज़ महमूद के खिलाफ दर्ज केसेस की तफसीलात फराहम की जाएँ। साइमा इम्तियाज़ ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी।
मौकिफ इख्तियार किया। शोहर के खिलाफ केसेस और इंक्वायरों की तफसीलात फराहम नहीं की जा रही, अदालत केसेस की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे। आज तो अब मैं ये कहूंगी कि ये 16 महीने से भी बात आगे बढ़ गई है, क्योंकि शायद ही मेरी रिहाई के बाद कोई ऐसा दिन हो कि मैं अपने घर रही हूँ, या तो मैं घर से बाहर रही या मैं अदालतों में अपनी बेल्स के लिए फिरती रही। बट मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, तो उसने इस सब्र का फल मुझे इस इज़्ज़त से दिया, इस इस्तकामत से दिया, इस साबित कदमी से दिया कि आज मैं अपनी पाकिस्तानी कौम के सामने सुरखरू हूँ। आलिया हमजा की साइबर दहशतगर्दी के मुकदमे में 10 रोज़ की हिफाजती जमानत मंजूर। हाई कोर्ट का तहकीकाती इदारों को मजीद कार्रवाई के लिए कानूनी दायरा कार में रहने का हुक्म। जस्टिस अली बाकी नकवी ने आलिया हमजा के शोहर की दरख्वास्त पर समाप्त की। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कासिम अली की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस समेत फ्रीकेंट से कल जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से खदीजा सदीकी एडवोकेट अदालत में पेश हुई। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में कमी। पाकिस्तान ने में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में रद्दो बदल का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 2.97 रुपये फ़ी लीटर कमी की तजवीज़। मंजूरी की सूरत में पेट्रोल 257.99 रुपये फ़ी लीटर हो जाएगा। रेलवे मुगलपुरा डिवीजन में गंदगी के ढेर, बदबू और ताफुन से इलाका मकीनों की जिंदगी अजूरन बन गई। ज़रा के मुताबिक इलाके को साफ करने का ठेका 9 लाख रुपए में दिया गया। डीएमए ऑफिस ने पॉइंट क्लियर ना होने के बावजूद भी ठेकेदार को जुर्माना नहीं किया। शहर की खूबसूरती बहाल करने का मिशन। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। ठाकर न्यास बेग, समसानी रोड और जोहर टाउन में सफाई और तजावजात का जायजा लिया। सीओ एलडब्ल्यूएमसी को इलाके से कूड़े के ढेर और तजावजात को फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। शहर में पार्किंग कवानीन की खिलाफवर्जी पर टीपा का एक्शन। इन्फोर्समेंट विंग ने गुलबर्ग जोन में 2 दर्जन से ज्यादा इमलाक को सील कर दिया। डायरेक्टर पार्किंग एंड इन्फोर्समेंट वन ने क्यादत की। इमलाक में शोरूम, निजी दफातर, फूड पॉइंट्स और कॉफी शॉप शामिल। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। शहरी कलमा तैयबा का वर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। जलजले की जेर ज़मीन गहराई 97 किलोमीटर और मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान का बॉर्डर था। महकमा रेलवे का रावलपिंडी से कराची के लिए सर सईद एक्सप्रेस चलाने का फैसला। ट्रेन का बकायदा आगाज 1 सितंबर से किया जाएगा। सर सईद एक्सप्रेस कराची से बरास्ता फैसलाबाद रावलपिंडी पहुंचेगी। लाहौरियों के मैदे में जहर घोंपने की कोशिश नाकाम। फूड अथॉरिटी के शरीफपुरा में जाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यूनिट पर छापा। 700 लीटर जाली महलूल तल्फ कर दिया। 5 सिलेंडर, 3 मशीनें और 2 मन चीनी समेत ममनू अज्जा जब्त कर लिए। मुलजिम मौके से फरार हो गया। कच्चे में पुलिस मुलाजमीन का हौसला बढ़ाने के लिए अहम इकदाम। आईजी पंजाब का मुलाजमीन के लिए खसूसी अलाउंस देने का फैसला। समरी भी इरसाल। हतमी मंजूरी के बाद इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हवलदारों को अलाउंस दिया जाएगा। बालाज टीपू कत्ल केस मुलजिम एहसन शाह की जेल से मुबैना ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में पुलिस ऑफिसर के कत्ल के लिए शूटर का बंदोबस्त करवाने का इंकशाफ। कहा प्लान बना लिया है, लड़के भी तैयार हैं। पुलिस के मुताबिक एहसन शाह ने जेल से खातून दोस्त को फोन किया। तो
मैंने टीम बड़ी अच्छी बना ली। सबसे पहले मैंने आते मैंने सोचिए चले है ना, एक महीने के अंदर ही मैंने सोफा दे देना वो आपको बड़ा जबरदस्त। थाना पुरानी अनारकली के SHO जावेद कुरैशी का रेस्टोरेंट इंतजामिया पर तशद्दुद, वीडियो मंजर आम पर आ गई। फुटेज के मुताबिक SHO होटल के अंदर दाखिल हुआ और गालम गलोच शुरू कर दी। रेस्टोरेंट मालिक ने वजह पूछी तो तशद्दुद शुरू कर दिया। शहर में मोटरसाइकिल छीनने और चोरी की वारदातें कम ना हो सकी। रवां साल 7 माह में चोरी की 15,210 वारदातें, 361 शहरी कार से महरूम, 939 मोटरसाइकिलें छीन ली गईं। पुलिस गाड़ियों को बरामद करने में नाकाम। डिफेंसी के इलाके नर्सरी चौक में मुबैना पुलिस मुकाबला, दो डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। तर्जमान के मुताबिक पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। मुलजिम साहिल और शाहताज मुकदमात में पुलिस को मतलूब हैं। इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ने अंधे कत्ल की वारदात ट्रेस कर ली। नाजायज तालुकात के शुबे पर दोस्त को कत्ल करने वाले मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जाहिद और आसिफ ने साजिद को कत्ल किया। मुलजिम जाहिद को शक था कि साजिद के उसकी बेटी के साथ तालुकात है। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस और वॉलंटियर्स इन पुलिस प्रोग्राम के तलबा की पुलिस लाइन्स में आमद। वफ्द ने DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान से मुलाकात की। तलबा को लाहौर पुलिस वर्किंग, पुलिस खदमत मराकज और वुमेन सेफ्टी ऐप वर्किंग के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मोटरसाइकिल सवार कवानीन तोड़ने में सबसे आगे। रवां बरस 37 लाख शहरी कानून शिकन निकले। 12,48,000 शहरियों ने लेन लाइन स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी की। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 3,52,000 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। एडिशनल IG ट्रैफिक का कानून शिकन के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मिर्जाफरान बेग का खिदमत मरकज बरकत मार्केट का दौरा, लाइसेंस सहूलियात समेत मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। खवातीन को तरजीही बुनियादों पर लाइसेंस के हुसूल की फराहमी की हिदायत कर दी। बिजली चोरों के खिलाफ लाहौर पुलिस का क्रैकडाउन मजीद तेज। रवां साल 20,000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज, 20,691 बिजली चोर पकड़ लिए। CCPO बिलाल सदीक उमियाना की पुलिस को बिजली चोर पकड़ने के लिए लेस्को की भरपूर मुआवनत फराहम करने की हिदायत। लेस्को शिकायत सेल सार्फिन के मसाइल के हल के लिए मुतहरिक है। तर्जमान के मुताबिक 24 घंटे में 5,160 शिकायत मौसूल हुई। 4,517 का बरवक्त अजाला कर दिया गया। 647 शिकायत ताखीर का शिकार, जल्द अजाला किया जाएगा। लाहौर चिड़ियाघर की झील को डेंगी मच्छर से पाक करने का अजम। झील में सैकड़ों डेंगी कलम मछलियां छोड़ी गईं। मछलियों के बायस झील के पानी में पैदा होने वाली सबस्काई और मच्छरों का खात्मा होगा। रंग बिरंगी मछलियां सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गईं।